नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट, फ्यूल लॉक लगाने वाले हैं थंडरबर्ड के अंदर। जो हमारा नॉर्मल फ्यूल लॉक होता है उसको हटा के हम लगाने वाले हैं फ्यूल लॉक, और ये आता है हमारा 190 रुपये का। पर उसके साथ देखते हैं कि ये काम का है या नहीं है, कैसे काम करता है इसके अंदर। तो सबसे पहले टैंक को खोल लेते हैं। अब फ्यूल लॉक चेंज करने के लिए कुछ लोग सिर्फ गाड़ी को टेढ़ा करते हैं और चेंज कर देते हैं, पर हम अभी पूरा टैंक खोलेंगे जो अच्छे से काम कर सके, वो तरीका आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉक्स खोलना है, उसके बाद सीट बाहर निकालनी है, और इसके बाद ये दो बोल्ट खोल देने हैं। निकालो, इसको क्लिप को इस तरीके से दबा के ऐसे बाहर को निकालना है। इसके बाद ये सॉकेट निकाल देना है। अब पहले उसकी वाशर निकाल के उसके अंदर रखो अच्छे से। इसको छोड़ दो, टैंकी देखो उसने पकड़ी तो है। अब लेकर उठा के उसको इसका ये वाला पाइप लगाओ, अब उसका लॉक ऊपर पहुंचाओ दबा के, अच्छे से दबाओ पहले क्लिप उसका पूरा। दिखाओ मुझे, ठीक है। अब इसके अंदर फ्यूल लॉक तो इंस्टॉल कर दिया है, अब इसका दिखाते हैं आपको मेन रिजर्व और ऑफ कहाँ पर होता है। अब रिजर्व तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, और ऑन हो गया हमारा दिस साइड, और ऑफ है बीच में, मतलब अभी जो हमारा पेट्रोल है वो ऑफ है। और इसके अंदर जो की आती हैं, और ये बिल्कुल मामूली सी की है कि मतलब कोई भी इसको आराम से तोड़ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी ऑन में तेल है या नहीं, मतलब आगे की साइड में। तो तेल अभी ऑन में आ रहा है, इसके बाद ऑफ कर दिया, और रिजर्व में भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो गाड़ी को चलाना है तेल, वो है हमारा ऑन के अंदर। ऑन के अंदर चलाने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा पेट्रोल होता है वो ऊपर की साइड से आएगा, और जो पानी होता है पानी नीचे की साइड बैठ जाता है। अगर रिजर्व में वो लास्ट तक का आएगा तो हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर में पानी चले आएगा, या जो डस्ट होता है वो जल्दी अंदर चले जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। पर अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल टी लॉक की, क्या ये लगा के काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो फिलहाल अभी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है इसको, और कुछ टाइम चलाएंगे
और देखेंगे कि यहाँ से तेल लीक होता है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेट्रोल लॉक होते हैं वो यहाँ से फ्यूल लॉक लीक करने लगते हैं, बहुत जल्दी तेल लीक होने लगता है। तो अभी हमने एक गाड़ी के अंदर ऑयल डाल रखा है, उसके अंदर दिखाते हैं कि काफ़ी मतलब कितना टाइम हो गया आपकी गाड़ी को डाले नहीं फ्यूल लॉक डाले सात आठ महीने हो चुके हैं उसमें डालो है, और देखते हैं कि उसमें क्या काम कर रहा है या नहीं। तो ये वो गाड़ी है जिसके अंदर चार पाँच महीने पुराना लॉक डाल रखा है या हो चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या इसके अंदर यही चाबी काम करेगी या कोई और चाबी काम करेगी। तो सबसे पहले अभी ये देखिए काम कर रही है, और इस चाबी को मैं यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ, ये बाहर निकाल दी मैंने। अब सबसे पहले मेरे पास एक ये रॉयल इनफील्ड की चाबी है, इसको डाल के यूज़ करते हैं। ये चाबी थोड़ा पुरानी है और इससे बिल्कुल नहीं हिल रही है। फिर उसके पास एक ये पुराने टाइप की चाबी है, वो तो इसके अंदर जा ही नहीं चाहिए। तो मेरे पास जैसी इसकी पेट्रोल टी की चाबी है, अब जैसी देखिए ये इसकी ओरिजिनल चाबी है, उसी तरह की मेरे पास भी एक चाबी है। अब हम इसको देखते हैं डाल के क्या खुलता है या नहीं। तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे हिलाएंगे तो ये देखिए लॉक खुल जाएगा। तो मतलब ये लॉक जो है सिक्योर नहीं है, और मतलब खोलने वाला आ गया तो कैसे भी खोल ही देगा, आराम से तेल निकाला जा सकता है या तेल चोरी किया जा सकता है। तो ये लॉक आप अगर लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये लॉक किसी भी चाबी से काम करता है या सिर्फ वही चाबी काम करती है। मतलब शुरू में जब लगाएंगे कुछ टाइम काम करेगा, उसके बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, छोटा था, इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।